अब किसने भेजा है ये पता नहीं है अम्मा, ये भेजा है किसी ने, गिफ्ट में भेजा है। हाँ अनबॉक्सिंग करो, और कब करेंगे अनबॉक्सिंग। अरे घुस गया बाबूजी। अब देखो दोस्तों कैसा लग रहा है, अब टाई की कमी हो रह गई है। राम राम जी, नमस्ते। और सब कैसे हो जी? आशा करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका सोनी धर्मेंद्र ब्लॉग यूट्यूब चैनल में। आज है 4 नवंबर और आज का ब्लॉग शूट हो रहा है शाम को 4:30 बजे। आज इतना लेट ब्लॉग क्यों शूट हो रहा है, क्योंकि दोस्तों कल थी भैया दूज और कल जम के खाया चिकना, सुबह से शाम तक घर पे खाया, फिर दीदी के यहाँ गए वहाँ खाया, 2-3 जगह पे ऐसे खाया कि क्या बताएं। रात में तबीयत डाउन सी लगने लगी, सर एकदम भारी हो गया था, विवेक को तो बुखार आ गया था, बाकी सब ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। फिर सुबह ही जागते ही विवेक को दवा दिलवाने गए, बाकी के कामों में लग गए, कुछ हमने बालों पर कलर वगैरह किया, श्री गोपाल की जो बाइक थी वो उसमें थोड़ा सा काम था वो सही किया, पापा जी की कटिंग वगैरह करनी थी वो कर किया, यानी काम तो ढेर सारा किया। जैसे ही थोड़ा सा आराम मिल गया था उसके बाद में, लेकिन फिर भी धीरे धीरे मतलब आलस था शरीर में, और पूरी तरह से आराम मिला मेरे को करीब 1-2 बजे तक। तो जब तक इतना सुबह काम करने के बाद मैं लेट गया था, तो अभी जागा मैंने कि चलिए अभी आपके लिए व्लॉग भी शूट करते हैं। और फिर खाने पीने वाली बात नहीं थी, बात ये थी कि मौसम चेंज हो रहा है। दिन में तो एकदम इतनी भयंकर गर्मी लग रही थी कि आपको क्या ही बताएं। जब हम बाजार भी गए थे तो पूरा ये चांद एकदम तप गया था धूप की वजह से, इतनी भयंकर गर्मी, पसीना पसीना हो गया। और रात में सर्दी, पंखा भी चलाने का मन नहीं कर रहा था, इतनी सर्दी हो गई थी रात में। तो ये मौसम का चेंज हुआ ना, तो इसकी वजह से तबीयत डाउन हुई थी। बाकी की मैंने दवा कुछ भी नहीं ली, शाम को एक टैबलेट ली थी बस, उसके बाद में मैंने कोई दवा नहीं ली, लेकिन विवेक को दवा दिलवा के लेके आया था। मेरे को लगा था सुबह मेरे को दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं थोड़ा आराम कर लूँगा तो सही हो जाऊँगा। नहा धो के जब आराम किया तो सही हो गया। और अभी अंजू स्कूल से आने के बाद अपना होमवर्क कर रही है, स्कूल का काम जो भी है बस उसी को कर रहे हैं अभी। और आज एक गिफ्ट भी प्राप्त हुआ है हमको, बहुत ही बढ़िया। तो इसमें आ चुका है हमारा गिफ्ट, और अभी बस डिलीवरी लेते हैं, उसके बाद अनबॉक्सिंग करेंगे। पता पतो नाना का है, कुकर है वहां में, कुकर दिख रहा हो वो तो ऊपर ते ही गिफ्ट आया ये। अब किसने भेजा है ये पता नहीं अम्मा, ये भेजा है किसी ने, गिफ्ट में भेजा है। हाँ जिन्होंने भेजा है उन्होंने नाम बताने के लिए मना किया है, मेन बात ये है, गुप्त भेजा है, बोल रहे हैं हमारी तरफ से है सोनी के लिए। और बोल रही थी अम्मा को बोलना आशीर्वाद जरूर दें अपना। सोनी ये लीजिए आपका पार्सल आ गया। अभी आएगी दौड़ के, देखो आ गई। हेलो, और जिन्होंने भेजा है उन्होंने नाम बताने के लिए भी मना किया है। हर प्रकार के इंसान है इस धरती पे। हाँ अनबॉक्सिंग करो, और कब करेंगे अनबॉक्सिंग फिर? तो बेस सबर ना होता अनबॉक्सिंग करवे के काजो हैं। बात तरफ से उल्टे तरफ से कर दो, उल्टे तरफ से चलो। इसमें अमेजोन का टैप वगैरह नहीं लगा है, सादा टैप लग के आया है। अभी योगेश खाना खा रहा है स्कूल से आया, इधर से भी काट ऐसे ऐसे काटो, ऐसे ऐसे ही इधर से काट, कट गया दोनों साइड से अच्छे से। और ये होगी अनबॉक्सिंग, ये होगी अनबॉक्सिंग, ये निकला इसके अंदर से कुकर, ये देखो कितना बढ़िया कुकर है, ये रहा इसका ढक्कन, ये क्या है इसको तो सबको हम सेट कर लेंगे अभी, ये सीटी है इसकी, अच्छा सीटी के ऊपर ही लगेगा ये, ये इसकी सीटी है, ये रहा कुकर, वो रहा उसका ढक्कन, लगा के चेक कर लो सही है कि नहीं, लीक वगैरह तो नहीं है। स्टील का है और वह बग पर चल जाओगे जी, नॉन स्टिक आयरन पर पे चल जाएगा, गैस पे चूल्हे पे रखे जाओ, लेकिन कालो है जाओगे चूल्हे पे। अच्छा लग रहा है हैं? अरे आलू फालू उबाल दो, दाल वगैरह, लेकिन दाल बनाओ तो झाग वगैरह निकाल के जब बनाओ, जो सही है कुकर में।
अभी हम चेक कर लेते हैं इसको। इसमें चेहरा दिख रहा है। हाँ चेहरा दिख रहा है। अब देखो कितनी खुशी हो रही है सोनी को, है धन्यवाद तो बोल दो। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे के लिए। खुशी हुई और जब तक ये दिखता रहेगा याद आती रहेगी। ये कपड़े वड़े बहुत डले रहते हैं, इनकी व्यवस्था हम करेंगे। ये वीडियो में आते हैं बहुत दिक्कत करते हैं। इसकी सीटी है तो इसको इसके ऊपर लगा देंगे। मंदिर में जो पानी भरने की समस्या थी तो बस अभी कॉलोनी वासी सभी उसी में लग चुके हैं। देख सकते हैं यहाँ पे जो सूखे पेड़ हैं उनको उठा रहे हैं और साफ सफाई में लगे हुए हैं। अब इसके अंदर मिट्टी डाल देंगे तो जो बरसात का मौसम आया करेगा तो उसमें मंदिर में पानी नहीं भरेगा। तो बस अभी सभी लोग काम में जुटे हुए हैं, देख सकते हैं। दोस्तों अभी चल रहे हैं मार्केट शॉपिंग करने के लिए और देखो इधर ये बैठी है, जबरदस्ती मेरे को लेकर आई है। राम राम जी सभी को। शाम को ही टाइम मिला है तो अभी शाम को ही चलते हैं फुर्सत में। दोस्तों अभी शादियों में जाने वाले हैं तो बस अभी आ चुके हम धौलपुर मार्केट में और यहाँ से लेंगे हम सब के लिए कपड़े। योगेश, विवेक और अपने लिए सोनी तो शायद ले चुकी है पहले ही। अभी हमारी शॉपिंग हो चुकी है और शॉपिंग पड़ी बहुत महंगी, लेकिन आपको बताएंगे फिलहाल पहन के आपको घर पे दिखाएंगे। बाकी का भी बच्चे की कपड़े हैं वो भी लेने हैं, उसके बाद में फिर चलें घर पे। अपने लिए तो कपड़े ले लिए, लेकिन अंजू के लिए कपड़े लेने के लिए 4-5 दुकानों पर घूम के आए, लेकिन उसके लिए कपड़े नहीं मिले। अभी और भी देखेंगे, लेके ही जाएंगे। बच्चों के कपड़ों में ही सबसे ज्यादा टाइम लग जाता है। अभी करीब 5-6 दुकान देख कर आए, उसके बाद में यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे अभी निकलवा रहे हैं। देखते हैं, ये अभी जो छोटे छोटे कपड़े निकलवाए हैं ये निकलवाए हैं हमने, हमारी जी बुआ की लाली है उसके लड़के के लिए, और अंजू के लिए भी यहीं से ड्रेस ले ली है, एक पसंद आई है, अभी आपको दिखाएंगे। बाकी का ये वाली सही लग रही है, ये वाली पीली वाली वैसे पसंद आ रही थी तो अभी हम पीली वाली को ही निकलवा लेते हैं। और वैसे तो हमने इससे पहले देखी थी वो भी अच्छी लग रही थी, लेकिन वो छोटी है। और अभी आगे लेडीज मार्केट में यहाँ से होगी सोनी की ख़रीदारी और कुछ अंजू के लिए भी लेंगे। अब सोनी की शॉपिंग हो जाए जब है और टाइम लग रहा है। और दोस्तों आ गए अभी हम घर पे और कपड़े ले आए ढेर सारे शॉपिंग। अम्मा बहुत सारे पैसे खर्चे कर आए कोट की। विवेक ने तो मैंने खरीदा कोट की। अब देख योगेश लगेगा बाबू जी। हाँ विवेक तो टी शर्ट पहनते है। ये देखो कोट लेकर आए, एक मेरा है एक योगेश का है। योगेश ये मेरा है मम्मी। हाँ नहीं पैर के देख के लाए, जो देख लो कितना तो धरा धरी नहीं हुए बस। अच्छा शर्ट तो पहन के देखी योगेश ने, मानी देखी शायद है ऐसी टहलाई। कलर कैसे हो मम्मी कोट को? अभी योगेश को कपड़े पहनने बोल रहा है, मैं पहन के देखूंगा। विवेक के कहा कपड़ा ना था बेटा, ओ ग्राम मत भाई तू भैया के छोटे कपड़ा आ जाए पहले करिए तू। अरे हाँ विवेक कबू ना लेकर आते तो पहरो तो कपड़ा देखिए। लाए हैं देख ले, हंस जा हंस जा आप जल्दी हंस को हंस को हंस को। ओए पैसे ही रवाए दो, पता कितने का महंगे पेंट है जो माले में तो है। हाँ 700 रुपया पेंट है, 800 रुपया के ते कहा जब बी आई पी कपड़ा लेके आए हैं। हंस जाओ तू हंसगो हंसगो है बनेगो बाबू जी। अरे जा में कहा धरेगा पैसा खुल्ले खुल्ले। अरे ओहो योगेश को देखो बनेगो बाबू जी, योगेश दुबला सा लगेगा है। अरे घुस गया बाबूजी। अब देखो दोस्तों कैसा लग रहा है, अब टाई की कमी और रह गई है। टाई जब टाई लग जाएगी ना
फिर बन जाएगी तुम जेंटलमैन। है अम्मा, कैसा लग रहा हूँ अम्मा योगेश? पनाइया खाए हुए लायक, अम्मा तो बोल रही है जूता खाने लायक लग रहा है। सही है, अब जी क्या कर रहा है जान? दो पेंट पहन के देख ले। अब अंजू के लिए गाता है, वो बैठी है, मैं सॉरी वो बैठी है सूखी सी, वहां के लिए गाता है। ये घुस गई अंजू अपने नए कपड़ों में, ये देखो एकदम चमकीले मस्त शादी के लिए। सितारे जड़े सितारे, ये देखो सितारे जड़े सितारे, अभी कपड़ों के ऊपर कपड़े पहना दिए हैं। पजामी छोटी है और अभी यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, ये अंजू की जो ड्रेस है ना ये थोड़ी सी छोटी पड़ गई, तो इसको हम चेंज करके आएंगे कल या परसों, जब तक इसको रख देते पैक करके, ये थोड़ी छोटी पड़ गई, अब इसके लिए दूसरी आएगी अंजू के लिए। दोस्तों अभी खाते हैं खाना, बहुत तेज भूख लगी, बहुत तेज। अब सोच तो रहे थे हम बाजार का खा ले, लेकिन फिर कल की याद आ गई, मैंने कल चिकना खा के तबीयत खराब हो गई, मैंने बाजार का नहीं खाएंगे, अब घर पे ही जाके खाएंगे। आज बनाइए सोनी ने, देखिए ये है मूली की सब्जी और ये आलू का रसा, बस आज की हमारी दावत यही है, आप सभी खा लीजिए, हम भी खा लीजिए। दोस्तों शॉपिंग करने के बाद में, खाना पीना खाने के बाद में बस सो गए थे हम, तो अभी सुबह आपको मैं बता रहा हूँ क्योंकि कमेंट आएंगे फिर भैया जी बताए नहीं कितने की शॉपिंग करके लाए। पहली बार जिंदगी में इतनी महंगी शॉपिंग की है हमने कि करीब कितना 7,000 रुपये का तो ये विवेक योगेश और हमारा कपड़े आए थे, उसके बाद अंजू के आए थे और कुछ सोनी का सामान, तो मान के चलो करीब 9,000 रुपये का धुआं उड़ गया। 9,000 रुपये की पहली बार जिंदगी में एक साथ शॉपिंग की है इतनी महंगी। अब कमाएंगे धीरे धीरे, इतना पैसा जोड़ा था और एक साथ चला गया, क्योंकि शादियां आ रही हैं, अब कपड़े तो पहनने ऐसे ही थोड़ी चले जाएंगे, तो इसीलिए अब कपड़े भी ले लिए, बहुत बढ़िया कपड़े लिए हैं, जब मैं पहनूंगा जब आपको दिखाऊंगा, और जल्दी ही पहनेंगे, एक दो दिन बाद शादियों में जाएंगे, एंजॉय करवाएंगे आपको और गांव की रीति रिवाज शादियां घुमाएंगे। जो जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा के ऑल पे जरूर क्लिक कर लेना, उससे क्या होगा जैसे ही हम वीडियो डालेंगे आपके पास तुरंत आएगी तो आप देख पाओगे गाँव के रीति रिवाज और गाँव की रहन सहन। तो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में, आज के लिए इतना ही, जब तक के लिए राम राम दुआ सलाम, जय हिंद, वंदे मातरम।